हाई एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। ये जो वीडियो है ये जितने भी माइनिंग के कैंडिडेट हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ भी क्यों ना हो, वो सभी के लिए वीडियो है। एक्चुअली ओपनकास्ट मशीनरी का जो डंपर है इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ और देखता हूँ कहाँ तक पहुँचता हूँ। तो डंपर का कहानी बहुत पुराना है, जैसे कि आपको पता होगा कि 1774 में भारत में जो कोल था उसका पहली बार खोज किया गया था। मतलब ब्रिटिश हुकूमत उस टाइम चल रहा था और उस टाइम के जो कंपनीज थी, एक्चुअली पूरा पूरी रूलर हुकूमत नहीं चल रहा था उस टाइम, अंग्रेज़ व्यापार करने के लिए भारत आए थे। और उसी टाइम कोल का एक कंपनी था टैगोर एंड सन्स, ठीक है, टैगोर एंड सन्स करके एक कंपनी था जो कि भारत में पहली बार सिचुएट हुआ था और कोल का माइनिंग किया था। तो टैगोर एंड सन्स जब स्थापित हुआ था तो दो अंग्रेज़ थे, ठीक है, दोनों अंग्रेज़ को भेजा गया था जो कि जियोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने सर्वे करके ये बताया था कि रानीगंज के कोलियरीज़ में, रानीगंज का जो पूरा का पूरा कोल फील्ड है उसमें अच्छा खासा कोल भरा पड़ा। इसके बाद उस जगह पर टैगोर एंड सन्स नामक एक कंपनी का 1774 में कोल का माइनिंग स्टार्ट किया था। तो जब माइनिंग स्टार्ट किया था तो कोल का जो माइनिंग है वो भारत के रेलवे को एक अलग लेवल पे ले गया था, क्योंकि कोल का माइनिंग कर रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं तो पहुंचाना होगा, चाहे आपको अलग अलग जगह भेजना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते थे अंग्रेज़ों ने, जो आपका इंडियन रेलवे था, इंडियन रेलवे को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया था, अलग अलग जगह पर स्प्रेड किया था। बट बहुत जगह ऐसे थे जहाँ पर इंडियन रेलवे नहीं पहुँच सकता था, जैसे अगर कोई थर्मल पावर प्लांट का गेट के पास कोयला पहुँचाना है तो नहीं पहुँच पाता था, तो उसके लिए ट्रक का यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। तो WO Stinson नाम का एक ट्रक हुआ करता था, एक कंपनी हुआ करता था जो कि कोल के लिए स्पेशली एक ट्रक बनाता था, छोटा ट्रक जिसमें देखिए एक इंसान के हाइट के बराबर का ट्रक होता था, जैसे आजकल ट्रैक्टर होता है ना, बस इसी टाइप का इसका होता था। और डाला भी मजबूत होता था, चारों तरफ से इसका डाला को खोल लिया जाता था, मतलब ये जो पोर्शन का मैं बात कर रहा हूँ इसको हम लोग डाला बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये डाला को खोल के इसमें से कोयला उतारा जाता था मैनुअली, और मैनुअली इसमें चढ़ के लोड किया जाता था। तो इसमें क्या होता था, कई बार लोडिंग अनलोडिंग में यहाँ पे कोयला गिर जाता था और उसका जो ड्राइवर सीट है उसके ऊपर में गिरने से डैमेज भी होता था। देन फिर इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया और इसके ऊपर में कैनोपी लगा दिया गया। कैनोपी लगाने से थोड़ा सा वही वाला जो डैमेज है वो कम हो गया। इस टाइप का ट्रक शायद आप कहीं ऐसे कबाड़ में देखे होंगे, बहुत सारा कोलियरीज़ के आसपास में लगा है, अलग अलग कोल इंडिया लिमिटेड का जो कंपनी है उसमें भी इस टाइप का ट्रक बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था उस टाइम। इसके बाद टाटा ने कमाल कर दिया, क्योंकि टाटा एक कंपनी थी जो कि बहुत सारा व्हीकल बनाती थी, और उन्होंने जब ट्रक लॉन्च किया और ट्रक पे काफ़ी आगे तक उसको लेके गया, तो इस टाइप का पहले गुड एंड कैरियर नाम का ट्रक लॉन्च किए थे। और इस ट्रक में भी लोडिंग अनलोडिंग करना पड़ता था चढ़ के, मतलब जो सरदार है, सरदार का मतलब माइनिंग सरदार नहीं, जो एक दंगल होता है जो कोयला लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, उनका जो मुखिया होता है वो सरदार यहाँ पे खड़ा रहते थे और देखते थे उसका जो दंगल है वो कोलियरी से, मतलब जो भी कोयला है, जो भी कोल स्टॉक है, वहाँ से टोकरी में कर करके कोयला लादता था, बेलचा से जिसको हम लोग सॉवेल भी बोलते हैं, तो उसे लादता था। और उसके बाद ट्रक को धीरे धीरे इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने लगा जैसे जैसे आवश्यकता पड़ा, क्योंकि एक कहावत भी है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे आवश्यकता हुआ वैसे वैसे आविष्कार हुआ, तो वैसे ही ट्रक को धीरे 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 काफ़ी डेवलप कर दिया गया। और आज का दौर पे अगर हम देखेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक जो है वो बेलारूस में है। बेलारूस एक कंट्री है छोटा सा, वो कंट्री में, जो कि रसिया का एक कंट्री कह सकते हैं, तो वो कंट्री में सबसे बड़ा डंपर बनाया गया था। और ये जो डंपर है वो आज भी सिचुएटेड है। इस डंपर का अगर मैं आपको फ़ोटो दिखाऊं तो देखिएगा, ये जो डंपर है 797 इसमें लिखा हुआ है कैट, यानी कैटरपिलर एक कंपनी है जिन्होंने इसको बनाया है, ठीक है। कैटरपिलर का बहुत सारा माइन में मशीनरी यूज़ होता है, यहाँ तक कि लॉन्गवाल में भी उसका सीरर DRD वगैरह सब यूज़ होता है। तो ये जो मशीन देख रहे हैं आप यहाँ पे, आप इसको देखिएगा, इसका जो हाइट है देखिए, ये इनका अगर मान लीजिए 6 फीट का हाइट होगा तो कुछ मिलाकर समझ लीजिए कितना अच्छा खासा इसका हाइट है। तो ये सबसे बड़ा डंपर है जो कि 496 टन कैपेसिटी का है, 496 टन कैपेसिटी का ये डंपर है। और ये डंपर इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डंपर है, क्योंकि ये बेलारूस का कंपनी है। 496 टन बेलाज 757110 ऐसा करके आता है इसका, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डंपर है, ठीक है। इसके बाद भारत भी पीछे नहीं हटा, भारत ने भी बहुत सारे आविष्कार किए हैं, डंपर बहुत सारा बनाया है। और उसमें से
जो भारत का डंपर है वो है NCL की तरफ से लॉन्च किया गया था। जी हाँ, NCL का, याद रखिएगा, NCL का अलमोरी कोल माइंस में, NCL का जो अलमोरी कोल माइंस है, ठीक है, इसमें इस डंपर को लॉन्च किया गया था, जो कि एक इलेक्ट्रिक डंपर, जी हाँ, एक इलेक्ट्रिक डंपर है और इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो कैपेसिटी है वो 250 टन के आसपास इसका कैपेसिटी है, ठीक है, 250 टन के आसपास इसका कैपेसिटी है, 250 टन के आसपास इसका कैपेसिटी है, जो कि भारत का भी सबसे बड़ा डंपर है और NCL का अलमोरी कोल माइंस में इसको चलाया जा रहा है। देन धीरे धीरे बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए गए और मशीनरी भी आई, ठीक है। तो ये ट्रक का इतिहास था, डंपर का इतिहास था। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कोई भी ओपन कास्ट माइंस अब चले जाइए, ज़्यादातर ओपन कास्ट माइंस में यही चल रहा है कि डंपर और सॉवेल का कम्बिनेशन आपको मिल ही जाएगा, तो उसके लिए डंपर का ये इतिहास रहा। अब बात करते हैं सॉवेल का कम्बिनेशन पे, सॉवेल का इतिहास के ऊपर। तो देखिए, सॉवेल जो है वो भी काफ़ी पहले डेवलप किया गया था, लेकिन ये जो आप पहले देख रहे हैं, ये जो, हाँ जी हाँ, इसको हम लोग फावड़ा, बेलचा, अलग अलग टाइप, अलग अलग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। आपके भाषा में क्या बोलते हैं इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपने भाषा में बताइएगा कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसको बेलचा बोलते हैं झारखंड में, और फावड़ा बहुत जगह पर बोला जाता है। तो इसको बोला जाता था इंग्लिश में सॉवेल। तो इसका काम ये होता था कि ये जो है मिट्टी कोड़ के एक जगह से दूसरे जगह जाके जमा करते थे, इसको एक जगह से मिट्टी उठा के दूसरे जगह फेंकते थे, ठीक है। तो ये सॉवेल होता था, तो इसी के कॉन्सेप्ट पे डेवलप किया गया सॉवेल को। तो ये जो है रॉब सॉवेल है, और आपको ये जानना ज़रूरी भी है कि रॉब सॉवेल का आविष्कार हाइड्रोलिक सॉवेल से पहले किया गया था। पहले रॉब सॉवेल मैनुअल माना जाता था, रॉब सॉवेल का कैपेसिटी पहले कम होता था, ठीक है। रॉब सॉवेल का ये, इसको रॉब सॉवेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारा रस्सा आपको दिखेगा, यहाँ पे रस्सा दिखेगा, यहाँ पे रस्सा दिखेगा, यहाँ पे रस्सा दिखेगा। जैसे इसको समझने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि इंसान का जो शरीर है, शरीर में चारों तरफ नस है, हाथ में नस है, पैर में नस है, पूरा का पूरा बॉडी में नस है। आप जब हाथ को फोल्ड करते हैं तो बहुत सारा नस मुड़ता है, आप जब उंगली को फोल्ड करते हैं तो बहुत सारा नस मुड़ता है। तो समझिए ये जो तार है ये इसका नस है, ठीक है, यही इस सबको ऑपरेट करता है। ये जो नस है, यही नस जो है हर जगह पे एनर्जी पहुंचाता है और ये पूरा का पूरा मशीनरी पे ऑपरेट होता है। इसको हम लोग हॉइस्ट ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका रॉब सॉवेल है जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो इसका यहाँ पर देखिए कोयला को उठा रहा है रॉब सॉवेल, और इसमें एक ट्रेलिंग केबल भी लगा हुआ है। ट्रेलिंग केबल, एक्चुअली डरिएगा नहीं सुन के, ट्रेलिंग केबल एक ऐसा केबल होता है जिसमें से इसको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। क्योंकि ये बहुत बड़ा मशीनरी है तो इसमें वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, या तो 3.3 kV वाला होगा ज़्यादातर, या फिर 6.6 kV वाला होगा, ठीक है। तो 3.3 kV वाला और 6.6 kV वाला ज़्यादातर माइंस में यूज़ किया जाता है। अभी इसका टब का जो कैपेसिटी है उसको समझने के लिए मैं बस समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है बड़ा सा टब दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन दिख रहा है इसको हम लोग टब बोलते हैं या बकेट बोलते हैं। इस बकेट में अगर आप खड़ा होकर फोटो खिंचा सकते हैं, मतलब पूरा खड़ा होंगे, आपका माथा सटेगा ऊपर तक, ठीक है, तो उसको तब हम लोग बोलेंगे कि यार ये 10 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी है। समझने के लिए बता रहे हैं, आपको खड़ा होकर नापना नहीं है, ठीक है, आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि हाँ इसमें हम आराम से खड़ा हो सकते हैं, मतलब ये 10 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी का। अगर उसमें हम खड़ा नहीं हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो ये 5 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी का। 20 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी वाला भी आता है, ऐसा नहीं है, और 8 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी वाला भी आता है, बट 5 वाला और 10 वाला बहुत ज़्यादा चलता है भारत में, ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो दोनों कैपेसिटी है ये स्टैंडर्ड साइज हो जाता है। हालांकि 20 वाला भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रॉब सॉवेल जब ऑपरेट होता है ना, तो देखिए उसका नीचे का जो ढक्कन है वो कुछ खुल जाता है। जो नीचे का आप ढक्कन देख रहे हैं ये रस्सा से ऑपरेटेड होता है, और नीचे वाला ढक्कन जैसे खोलता है तो वहाँ से जो भी माल मटेरियल है उसका, ठीक है, मटेरियल हो कोयला, वो ट्रक में आपका डंप कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट करते गया तो देखा गया कि यार रॉब सॉवेल जो है वो उतना फास्ट नहीं है। हम बड़ा सा एक मशीन बना दे रहे हैं लेकिन यार उतना अच्छा से काम नहीं कर पा रहा, बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है। इसका लाइफ तो ज़्यादा है लेकिन ये बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है, और जहाँ पर हमको छोटा जगह है जहाँ पर इसको नहीं पहुँचा सकते हैं वहाँ पहुँचा नहीं पा रहे हैं। तो फिर इसको देखते हुए जो इसके रस्से थे, बहुत बार ऐसा होता है कि रस्सा टूट जाता है, रस्सा ख़राब हो जाता है, इसमें मोटर जो हाउस होता है इसमें काफ़ी प्रॉब्लम भी होता है, ठीक है, लेकिन भरोसेमंद आज भी ये है। आज भी इसलिए भरोसेमंद है क्योंकि इसका लाइफ दोगुना है हाइड्रोलिक सॉवेल से। तो ये रॉब सॉवेल है बेसिकली।
रॉब सॉबेल को देखने के बाद बहुत सारा जहाँ पे कम यूज़ करना है या कम कैपेसिटी का हमको ढोना है या जल्दी हमको स्पीड स्पीड में काम करना है, उस जगह पे हम लोग हाइड्रोलिक सॉबेल का इस्तेमाल करने लगे। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये हाइड्रोलिक सॉबेल है, ठीक है। हाइड्रोलिक सॉबेल इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब इसको फोटो को गौर से देखिएगा, जस्ट अ सेकेंड, इस फोटो को देखिएगा, यहाँ पे हाइड्रोलिक है, यहाँ पे हाइड्रोलिक है, इसके लगभग हर जगह पे आपको हाइड्रोलिक ही दिखेगा, ठीक है। हाइड्रोलिक से ऑपरेट होता है, हाइड्रोलिक का मतलब होता है कि इसके अंदर में तेल भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है और उस फ्लूइड के जरिए उस फ्लूइड पे प्रेशर टेंशन क्रिएट करता है और जिसके कारण ये पूरा का पूरा काम करता है, ठीक है। पास्कल लॉ पे काम कर सकता है, बाकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये हाइड्रोलिक सॉबेल है, इसका काम है कि ये यहाँ पे कोयला लोड करता है। अब हाइड्रोलिक सॉबेल का अगर आपसे कोई टाइप पूछे कि बताओ भाई साहब हाइड्रोलिक सॉबेल का कितना टाइप होता है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक होगा और डीजल होगा। जी नहीं, ये आप टाइप नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ये तो ऐसा चलने वाला है ना, ये तो संसाधन के ऊपर है। टाइप बेसिकली इसका दो होता है, एक होता है फ्रंट हो, एक होता है बैक हो, ठीक है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बैक हो है। अब दोनों को गौर कीजिए, पाउस करके थोड़ा सा ये वाला फ़ोटो को अच्छे से देख लीजिए और ये वाला फ़ोटो को अच्छे से देख लीजिए और पाउस कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, एक बैक हो में और फ्रंट हो में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रंट हो है और ये जो देख रहे हैं ये बैक हो है, ठीक है, बताइएगा। तो चलिए हम ही बताते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये एक्चुअली फ्रंट हो है, ठीक है। फ्रंट हो ये भी हाइड्रोलिक सॉबेल है, वो भी हाइड्रोलिक सॉबेल है। फ्रंट हो का मतलब होता है कि ऊपर से उठाता है, ठीक है। जैसे कोई आपसे भीख मांगने आता है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कोई आपसे भीख मांगने आता है तो ऐसे ऐसे करता है हाथ, ठीक है, इसी तरह से हाथ रहता है उसका, तो समझिए कि वो फ्रंट हो है, आपके सामने से भीख मांगता है ना। और ये जो है ये बैक हो है। बैक हो का मतलब आप समझ सकते हैं कि एग्जामिनेशन में जब किसी को आप चुट्टा पास करते हैं पीछे वाला बेंच को, अगर आप इंजीनियर हैं तो ऑब्वियस बात है सब चीज़ें परिचित होंगे, तो जब आप किसी को पीछे वाला बेंच को वाले को चुट्टा पास करते हैं, चीटिंग वाला मटेरियल देते हैं तो नीचे से देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैक हो, समझे। तो बैक हो और फ्रंट हो को देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं कि बैक हो क्या होता है, फ्रंट हो क्या होता है। बैक हो एक्चुअली इसको साइज थोड़ा सा छोटा रखा जाता है, कॉम्पैक्ट रखा जाता है और इसका जो टब कैपेसिटी, बकेट कैपेसिटी होता है, ये वाला जो बकेट कैपेसिटी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये भी बैक हो का ही फोटो है जो पूरा का पूरा देख रहे हैं, इसका टब कैपेसिटी है, टब कैपेसिटी काफ़ी छोटा रहता है इसमें, ठीक है। टब कैपेसिटी ये जो है छोटा रहता है, बकेट कैपेसिटी छोटा रहता है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट हो, जिसका साइज़ जो छोटा रहता है, कॉम्पैक्ट रहता है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली, देखिएगा बहुत जगह पे ऐसा होता है कि कोयला में पानी घुसा हुआ रहता है या जब मलबा उठाते हैं तो उसमें कीचड़ भरा हुआ रहता है, तो कादो कीचड़ वाला जगह पे ना इसको हम लोग ज़्यादा अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि इससे हम लोग पानीठों को गिरा देंगे पूरा ज़मीन में। लेकिन ये वाला अगर हम यूज़ करेंगे फ्रंट हो तो इसमें ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम पानी ठो गिरा दे पूरा अच्छे से, इसमें कुछ ना कुछ कीड़ा कादा कीचड़ वगैरह रह जाएगा। इसके लिए हम लोग बैक हो को यूज़ करते हैं, बैक हो को जहाँ मुलायम मिट्टी है उस जगह पे। और तो और वाटर गार्लैंड सिस्टम, ओपन कास्ट माइंस अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा वाटर गार्लैंड सिस्टम, यानी कि माइंस में हमको बहुत बड़ा बड़ा नाला बनाना पड़ता है और उस नाला में हमको पानी को छोड़ते हैं, तो उस नाला बनाने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपका जो बैक हो है, आप कभी ओपन कास्ट माइंस में जॉब कीजिएगा या ड्यूटी कीजिएगा, ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी कीजिएगा, तो गौर से देखिएगा कि बैक हो नॉर्मली उस जगह पर खड़ा रहता है या उस जगह के आसपास रहता है जहाँ पर नाला बह रहा होगा, ठीक है। नाला के आसपास में देखिएगा, एक्चुअली वो नाला नहीं होता, वो वाटर गार्लैंड सिस्टम होता है। ओपन कास्ट माइंस का जितना भी पानी होता है वो सम्प में जमा होता है, सम्प से हम लोग उसमें उस जगह पे डिस्चार्ज कर देते हैं, उस जगह पे छोड़ देते हैं वो पानी ठोको। अब वही वाला पानी ठोको रास्ता देने के लिए, रास्ता बनाने के लिए, कोड़ने के लिए, थोड़ा चौड़ा करने के लिए, थोड़ा पतला करने के लिए, इसके लिए हम लोग बैकहो का यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका यही सब काम है। जो फोटो आप देख रहे हैं मस्त शान से खड़ा है, दूसन दूसन नाम का जो कंपनी है, ठीक है, तो ये आपका बैकहो है। अब आप सोचिएगा कि यार जेसीबी क्या होता है यार, फिर है ना, जेसीबी को क्या हम माइंस में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम जेसीबी लेके कूद पड़ेंगे माइंस में, यार क्या दिक्कत है, जेसीबी में भी टब होता है, आगे और पीछे दोनों होता है यार, है ना। हमको तो इसको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए उसके अलावा, क्योंकि इसमें तो दो को होता है, एगो बड़ा एगो छोटा, हम जिसको ज़रूरत पड़ेगा यूज़ कर लेंगे। जी नहीं, जेसीबी को आप यूज़ नहीं कर सकते। आपके घर के सामने से जेसीबी भले गुजरे तो आपको लगेगा कि नहीं यार बड़ा शानदार गाड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है प्रैक्टिकली, क्योंकि ठीक है इसका जो टायर है ये, चूँकि पहला तो टायर माउंटेड होता है ना, और टायर माउंटेड ज़्यादातर मशीनें ओपन कास्ट में फेल हो जाती हैं डंपर को छोड़ के, ठीक है। तो टायर माउंटेड है और चूँकि इसका काम
अलग अलग जगह पे है, आपको थोड़ा सा ऐसा इंक्लाइन होगा, उस जगह पे काम करना पड़ सकता है, आपको बेंच पे खड़ा रहना पड़ सकता है, अलग अलग जगह पे काम करना पड़ सकता है, जिसके लिए टायर माउंटेड कैपेसिटी इसका नहीं है। दूसरा, इसका जो टन कैपेसिटी है, टन क्षमता है, वो ज़्यादा नहीं उठा सकता है, जिसके कारण ये सूटेबल नहीं हो पाता है, इसको हम लोग यूज़ नहीं करते। इसका पावर जो है वो कम होता है, भले आपको देखने में लगता होगा कि नहीं यार बहुत मजबूत है, लेकिन एक्चुअल में इसका पावर जो है वो एज़ कम्पेयर टू ओपन कास्ट माइन मशीनरी कम होता है। इसके कारण इसको हम लोग एक्सकोवेटर जेसीबी बोलते हैं, इसके लिए उस जगह पर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंक्लाइनेशन और बहुत सारा ऐसा जगह होता है माइंस में, हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, हर जगह के लिए फिर हमको अलग से मशीन लाना पड़ेगा, तो फिर फायदा ही क्या है, हम ऐसा ही मशीन क्यों नहीं रखें जिसको हम हर जगह रगड़ के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फोटो है ये एक्सकोवेटर जेसीबी का है, यहाँ पे देखिए ये भी फोटो आपको दिख रहा होगा, सान से गिट्टी उठा रहा है। तो ओपन कास्ट का जो मेटल माइंस होते हैं उसमें इसको हम लोग नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, खासकर जो सेंड का क्रशर वगैरह होता है उस जगह पे लोडिंग अनलोडिंग के लिए, बालू वालू के लिए, ये सब चीज़ के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो आई होप ये सारे फोटोज़ देख के आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि ओपन कास्ट का माइन मशीनरी में जो डम्फर है और सॉवल कम्बिनेशन है उसका क्या इतिहास रहा है और कैसे कैसे वो काम करता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो में आपको कहूँगा कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और ऐसा वीडियो और देखना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि ओपन कास्ट का माइन मशीनरी में लड़का लोगों को बड़ा दिक्कत होता है यार, तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही फ़ोटो दिखा दिखा के उनको समझा दें ताकि उनका जो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो जाए। तो आप बताइए अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए कि नहीं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और WCL की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली कर दीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उनको भी सब्सक्राइब करने बोल दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।